पैसे ज्यादा दे समय ना चाहते आप भी। हाँ, इसीलिए तो ये हालत में भी आ गई मिलने के लिए। मेरी सासू माँ नहीं दे रही थी आने के लिए। मतलब आपके सासू माँ जो है वो बोल रहे थे कि नहीं जाओ मिलने के लिए, फिर भी आप सबको मतलब मना करने के बाद भी आप आए हैं मिलने के लिए। एक्चुअली जो है ना भैया प्रेगनेंट है, इसीलिए जो है ना मम्मी मना कर रही थी, पर हमारे बच्चे भी उसका फैन है। ये गाना सुना बाबू। मिलने का तमन्ना था बहुत बड़ा। किन से मिलने का तमन्ना? आशीष यादव। आशीष यादव जी ना। अच्छा, माघी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से ही क्यों मिलने का ट्रेंड मतलब तमन्ना था? माघी में तो और बहुत सारे कलाकार हैं, गुंजन भैया, रोशन भाई, हमारे रहने के ना आशीष भैया से मिलने का सपना बहुत दूर से चल के आए। अच्छा, कितना दूर से चल के आए भैया? 314 किलोमीटर है। 314 किलोमीटर से आप चल के आए आशीष यादव जी से मिलने के लिए, तो कब मिलिएगा आशीष यादव जी से? अब देखें, तब हमारे आपकी ऑडियंस आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भैया लोग आप शेयर कीजिए, और जब मतलब सपना पूरा हो जाए, अभी तो होटल में रह चुके हैं फिलहाल। आशीष यादव जी से मिल लीजिएगा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा? हमारे सपना पूरा हो जाए। अच्छा, मतलब आपके लिए सबसे बड़ा है आशीष यादव जी? आशीष यादव जी से मिल लीजिएगा तो आपका सपना मतलब पूरा हो। समझ लो ये दिल है ना, एक तरफ माँ बाप हमारी और एक तरफ आशीष भैया के पास। मतलब आप आशीष भैया देखते हैं आजकल आशीष भैया का बहुत सारे लोग टैटू भी करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं एके बिहार न्यूज और एमबी न्यूज। आज हमारे साथ मघी के बहुत ट्रेंडिंग स्टार पे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से एक साथ आए मिलने के लिए, जो कि 300 किलोमीटर दूरी से आए। तो सोच रहे होंगे आप लोग, जिनका कि एक लड़का भी है, उनको लेकर आए मघी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से मिलने के लिए। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं, क्या कि मघी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से क्यों मिलना चाहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया, और जितने भी हमारे आपकी दर्शक एमपी न्यूज थे उसे हमने हाथ जोड़ के पढ़ना, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस मिलने का तमन्ना था बहुत बड़ा। किन से मिलने का तमन्ना? आशीष यादव। आशीष यादव जी ना। अच्छा, मघी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से ही क्यों मिलने का ट्रेंड मतलब तमन्ना था? मघी में तो और बहुत सारे कलाकार हैं, गुंजन भैया, रोशन भाई, हमारे फेवरेट आशीष यादव। अच्छा, उसके बहुत हमारे रील बनाते हैं, मतलब हमारे भी चैनल है यूट्यूब पे रमन ब्लॉग 3.0। अच्छा, वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत पैसे भी बर्बाद हो गए। कितना पैसा बर्बाद हो गया? 2-2.5 लाख रुपए हो गए, पहले मॉडल के साथ मतलब एक थे, और अब वो मतलब दूसरे साथ वीडियो बना। 2-2.5 लाख रुपए एक मॉडल के पीछे, मतलब आप मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में बर्बाद करते? बहुत दूर दूर जाके ड्रोन भी मतलब किराए पे मंगा देते हैं सब, तो अपना अब उतना पैसा बर्बाद हो गया। और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मघी के ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव जी से मिलेंगे, और उनसे क्या बात कीजिएगा मिलने में? बस उनसे बात करेंगे, बस भैया के पास अगर मिल के हमारे बस सपना पूरा यही हो जाएंगे, वीडियो बस हमारे ट्रेंडिंग में आने लगेंगे चैनल पे, बस यही सोचते हैं। तो मतलब आशीष यादव जी से मिलिएगा तो आशीष यादव जी आपका मतलब सपोर्ट करेंगे और आपका वीडियो ट्रेंडिंग में लाएंगे? हाँ, बस यही हमारे जो है ना कहना, आशीष भैया से मिलने का सपना है, बहुत दूर से चल के आए। अच्छा, कितना दूर से चल के आए भैया? 314 किलोमीटर है। 314 किलोमीटर से आप चल के आए आशीष यादव जी से मिलने के लिए, तो कब मिलिएगा आशीष यादव जी से? अब देखें, तब हमारे आपकी ऑडियंस आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भैया लोग आप शेयर कीजिए, और जब मतलब सपना पूरा हो जाए, अभी तो होटल में रह चुके हैं फिलहाल। अभी आप फिलहाल कहाँ हैं भैया? कौन सा होटल में? कहाँ? पटना में? पटना में है। कब आए हैं पटना? पटना तो कल ही आए। कल से मतलब आए हैं, और आज हो गया, तो मतलब अभी तक मघी के ट्रेंडिंग स्टार पे जाने वाले आशीष लाल यादव जी से नहीं मिले? नहीं मिले, कोई मतलब बैकग्राउंड ही नहीं है मिलने का, बस सुने थे पटना में मतलब आशीष यादव की शूटिंग वूटिंग करते हैं, इसीलिए आ गए। हम अपनी वाइफ को भी ले। आप अपनी वाइफ को ले? अच्छा, अभी मतलब आप फिलहाल कल के आ रहे हैं? मतलब वही कुछ नहीं, वीडियो वीडियो बनाते हैं पापा की पैसे से। मतलब आप अकेले मतलब वीडियो बनाते हैं या तो फिर अपने? पहले लड़की के साथ, दूसरे लड़की के साथ में बनाते हैं, इनके साथ अब वाइफ के साथ में बनाते हैं। अच्छा, पैसे तो बर्बाद बहुत हो गए, इसीलिए सोचे वाइफ के साथ बनाते हैं। अच्छा, आप क्या कुछ कहिएगा आशीष भैया के बारे में? मैं भी चाहती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, कौन सा चैनल? आपका नाम बताए चैनल का? रमन ब्लॉग 3.0। अच्छा, तो आशीष यादव जी से मिलना चाहते हैं आप भी? हाँ, इसीलिए तो ये हालत में भी आ गए मिलने के लिए। मेरी सासू माँ नहीं दे रही थी आने के लिए। मतलब आपके सासू माँ जो है वो बोल रहे थे कि नहीं जाओ मिलने के लिए, फिर भी आप सबको मतलब मना करने के बाद भी आप आए हैं मिलने के लिए। हाँ, मेरा सपना। एक्चुअली जो है ना भैया प्रेगनेंट है, इसीलिए जो है ना मम्मी मना कर रही थी,
हमारे बच्चे भी उसका फैन है। एक गाना सुना बाबू, अशीष यादव जी का कोई गाना है बाबू? सुना, एक वीडियो में शूट किए हैं, वो वीडियो है चैनल पे जाके देखिए, रमन गौरव फ्री पे, बच्चे का है, बहुत बड़ा ये भी फैन है आशीष यादव का। अच्छा, मतलब बेटा बाप और मतलब भाई तीनों मिलकर आशीष यादव जी का बहुत बड़ा फैन है। जब से उसका मतलब पहला गाना कोई ऐसा ट्रेंडिंग बचपन वाले, तब से उसका फैन है। अच्छा, आशीष यादव, हाँ, भुला गए ले बचपन के प्यार, ऐसा गाना है ना आशीष यादव का, तब से ही हम उसका फैन, रमन बाबू 656। रमन बाबू 656। चलिए आशीष यादव जी से मिलना है, आप मिला दीजिए, बस हमारे सपना पूरा हो जाएंगे। अच्छा, आशीष यादव जी से मिल लीजिएगा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, हमारे सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपके लिए सबसे बड़ा है आशीष यादव जी, आशीष यादव जी से मिल लीजिएगा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। मतलब समझ लो ये दिल है ना, एक तरफ माँ बाप हमारी और एक तरफ आशीष भैया का प्रसाद, मतलब आप वो दिखावे के लिए करते हैं तो अच्छी बात है, चलो मान लो करते हैं, जो जिसका मतलब सब भी अलग अलग फेस है, नेतू तो हम भी बना लेते हैं, पर उस अलग सी फील हो जाते, कितने बोलते हैं, क्या करता है, कितना गिरा है, ऐसी बहुत सारी बात हो जाती, इसलिए नेतू ने दिल में जगह रहना चाहिए। ऐसी ज्यादा चलिए एकदम दिल में पूरा जगह, आधे तरफ किसी का जगह, आधे तरफ हमारी वाइफ माँ बाप के लिए। और आपके गांव वाले भी लोग जानते होंगे कि आशीष यादव से हम मिलने गए हैं? हाँ, गांव वाले जानते हैं ना, इसीलिए अगर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक होटल में रहेंगे, चाहे जितना। जो मान लीजिए कि आप उतना दूर से 300 किलोमीटर दूर से आए मिलने के लिए, अब जो मान लीजिए किसी कारण वजह से आशीष यादव भाई आपसे नहीं मिल पाएंगे, तो आपके गाँव वाले लोग क्या बोलेंगे? आप ये बात कभी सोचे हैं? या सोचते तो डर लगता है, जाएंगे ऐसे तो लोग बिहार है ना इंसल्ट हो जाते हैं, इसको ताना मारना बोलते हैं, ताना मारने लगते हैं, इसीलिए इंतजार कर लेंगे होटल में, जब रहे मतलब होटल का जो मतलब मान लो रहते हैं जो चार्ज है वो देंगे। मतलब जब तक आशीष भैया से नहीं मिलेगा तब तक मतलब आप पटना से नहीं जाइएगा अपना काम? जी जाइएगा, बस आशीष भैया कभी ना कभी तो आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगा जरूर मिलेंगे। हर एक जगह से उसको फॉलो कर रखें, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। जो आशीष भैया मतलब आपका वीडियो देख रहे होंगे तो उनको आप क्या कहिएगा? सबसे पहले आशीष भैया का मेरा प्रणाम, और बस एक बार भैया हमारे से मिल लीजिए, हमारे सपना पूरा होगा। तो आशीष भैया जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग इनसे मिल लीजिए, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर से आए आपसे मिलने के, तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना बड़ा फैन हो। आप जो मिल लीजिएगा बोल रहे हैं कि मेरा सपना पूरा हो जाए, तो मतलब अपने मम्मी पापा के बाद आपको दिल में बसा के रखे हैं, तो आप इनसे एक बार मिल लीजिएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो को लेकर आप लोग कमेंट करके बताएगा, और भैया को आप जल्द से जल्द मिलाने का प्रयास कीजिए आप लोग, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भैया उतना दूर से आए आप जल्दी से मिलकर मिल जाए आशीष भैया से, फिर आप भैया अपना गाँव जाएंगे। नहीं अब जो नहीं मिल पाएंगे आशीष भैया, तो सोच लीजिए बोल रहे हैं कि नहीं मिल पाएंगे, तो मतलब मेरा गाँव वाले लोग मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा कहेगा, क्योंकि गाँव वाले लोग आपके लोग जानते हैं कि क्या से क्या बोलेंगे। बाकी आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आशीष भैया तक पहुँचाएं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो।